आदेश रांची वाले भैरव बाबा को लखा देश, आप सभी को आदेश आदेश। कपाल धारिणी नमो तारे, नमो तारे श्री रक्त तारे, नमो श्री रक्त तारे नमो। डाकनी शाकनी भूत पलीता, सौ सौ कोस दूर भगाया, चंडी तारा फिरे ब्रह्मांडी, तुम तो तीन लोक की जननी। जय जय मात तारा, घर बार छाड़ा लगे ना ट्रेन भाड़ा। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। मैंने लिखा है कि इसके बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये कौन सा मंत्र है? यह मंत्र है नील तारा का। कौन है नील तारा? तारा शब्द सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि बुद्धिस्ट या तिब्बतन का कॉपीराइट है, लेकिन माँ तारा भारत में विराजती हैं। दो कहानी है इसको लेकर के। एक तो कि माँ का जन्म हिमाचल में हुआ था, वहाँ से आकर के वो तारापीठ में बैठी। दूसरा कि वशिष्ठ मुनि उनको चाइना से लेकर के आए थे और उनको पहले स्थापित किया था बिहार में। आज भी बांका जिला के आसपास में माँ तारा का मंदिर है, कच्चा का ही, और उसी में माँ विराजती हैं। और माँ ने उनसे वचन लिया था कि आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, लेकिन मुनिवर ने अपनी अर्धांगिनी को बता दिया कि मैं तारा को लेके आया हूँ। उसके तारा मसानी हो गई और वही मसानी स्वरूप हम माँ तारा का देखते हैं तारापीठ में। ठीक है, तो माँ तारा के विभिन्न रूप है। जैसे हम लोग मानते हैं महामाया के बहुत सारे रूप है, और एक ही महामाया का अलग अलग रूप को अलग अलग तरीके से पूछते हैं। मतलब वही दुर्गा, वही भुवनेश्वरी, वही माँ काली, वही लक्ष्मी, वही सरस्वती, वही गायत्री, वही सावित्री, उसी तरीके से तारा का अलग अलग रूप है। देखो, माँ तारा तोतली है तो तोतला मैं भी हो गया, तो माँ तारा का अलग अलग रूप है। उसी में एक रूप है माँ का नील स्वरूप, नील तारा। नील तारा को ही सरस्वती माना गया है। ठीक है, और माँ नील तारा की साधना से ही साधक की बुद्धि जागृत होती है। अभी मैं देख रहा था पिछले दो तीन वीडियोस में लोग ऐसा मुझे लिख के भेज रहे थे कि गुरुजी बहुत बड़ा मंत्र है, कैसे याद करूँ, इतना बड़ा मंत्र कैसे याद होगा। अच्छा, मैंने जब आपको वो मंत्र दिया तो मुझे तो याद हुआ ना। अगर मुझे याद हुआ तो आपको भी याद होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं साधने में कोई त्रुटि हो रही है। तो साधने में यही त्रुटि हो रही है कि हम लोग स्टेप वाइज अभी नहीं जाते हैं। हम लोगों के गुरु ने हर तरीके से स्टेप वाइज साधना बताई थी, तो उसी में शुरुआत की साधना हमारा तारा का साधना होता है। तो तारा में नील, जैसे जो शुरुआत में मैंने जो दो लाइन बोली वो तारा का दश महाविद्या का लाइन है। ठीक है, तो हमने दस महाविद्या सिद्ध करी, उसके बाद नील तारा का मंत्र सिद्ध किया। नील तारा का जब आप मंत्र सिद्ध करोगे तो आपकी बुद्धि तेज हो जाती है और आप मंत्रों को ग्रैब करने लगते हो। देखो, अभी क्या होता है कि आपको किसी ने मंत्र लिख के दे दिया, या मैं आपने किसी YouTube से एक वीडियो में मंत्र देखा, उसके बाद मंत्र को पढ़ते रहते हैं देख के, और फिर आप जाप करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपने जहाँ वो मंत्र लिखा वो कागज आपका सिद्ध हो जाता है, और कुछ सिद्ध नहीं होता। ना आप सिद्ध होते हैं, ना इष्ट सिद्ध होता है, ना माला सिद्ध होती है, ना कर आपका सिद्ध होता है। इसीलिए कभी भी किसी मंत्र को सिद्ध करने से पहले मंत्र को याद कर लेना चाहिए। और वो जो साधना है वो नील तारा का साधना है, जिससे आप मंत्र को याद कर सकते हैं। तो ये जो नील तारा का मंत्र है ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी हैं वो अगर 108 बार नील तारा का मंत्र जपेंगे तो नील तारा बिल्कुल ही खुश होगी और उनका जो बुद्धि है वो तेज़ बनेगा और उसको हमेशा याद रहेगा जो भी चीज़ वो याद करेगा। ठीक है, नील तारा का मंत्र बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग लिख ले। मैं तीन बार बता रहा हूँ, एम
ओम ह्रीम नील ताराये क्लिम हुम फट, एम ओम ह्रीम नील ताराये क्लिम हुम फट, एम ओम ह्रीम नील ताराये क्लिम हुम फट। 9 दिन तक इसको रात में आप 11-11 माला करेंगे। पहले याद कर लीजिएगा, ऐसे तो मंत्र बहुत आसान है, रुद्राक्ष पे या करमाला पे इसको 11-11 माला कीजिएगा, 10वें दिन इसका आहुति दीजिएगा। दिन देख के शुरू कीजिएगा, शनिवार बहुत अच्छा दिन होता है माँ के लिए, तो शनिवार से शुरू कीजिए, या फिर अभी जो नवरात्र आ रहा है उसमें 9 दिन में आप इसको सिद्ध करके 10वें दिन आप पूर्ण आहुति दे दीजिएगा। उसके बाद आपको मंत्र बिल्कुल तोते की तरह याद होगा, बिल्कुल ही साफ। आप हमेशा धन्यवाद दोगे कि रुद्रनाथ जी ने काम का चीज़ दिया था। तो नील तारा का की सिद्धि आप करिए। और जिनको हमारे पेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है बेसिक साधना सीखने के लिए, वो 9431188585 पर जुड़ सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आपको हम जो साधना का शुरुआती आयाम है वो बताएंगे, जिसमें आसन बंधन यंत्र बनाना मंत्र बोलना ये सब आता है। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो 9431188585 पर ले सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें rudranath@cm4 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। भगवान भैरव आपकी इस साधना में सहायता करें और रक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।